आदमी आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है, आदमी आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है। ये आदमी ही है जो आदमी से कभी नहीं प्यार करता है। पीठ पीछे इतनी बुराइयां कि देखो तो तुम। अच्छा, आदमी की जबान का कोई कंट्रोल नहीं, जिसकी जबान का कंट्रोल नहीं, जीवन का क्या खाक होगा। एक आदमी बैलगाड़ी लेके जा रहा था, बैल कहीं चले गए, गाड़ी कहीं चली गई, एक्सीडेंट हो गया। हमें मिला, बोला गुरुजी नौकरी चाहिए। हमने कहा किसकी? बोले हम कार चला लेते हैं। हमने कहा जब तुमसे बैलगाड़ी संभलती नहीं है, कार क्या हलवा संभलेगा? अरे तुमसे बैलगाड़ी संभल नहीं रही, कार क्या खाक संभालोगे? ऐसे भी विचित्र लोग हैं। आदमी से जुबान संभलती नहीं, जीवन संभालने की बात करते हैं। जुबान बोलो, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम एक गाली भर बकें तुम ही लोग बोतल उठा लोगे। जीवन क्या, आओ आओ एक मिनट में गुस्सा आ जाएगी। एक या एक आदमी गया, बोले वाह आप कहते सीताराम 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 करो। सीताराम कहने से सीताराम थोड़ी आ जाते हैं, कहीं रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला मिलता है? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला नहीं मिलता। वैसे ही सीताराम सीताराम कहने से राम जी नहीं मिलते। तो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, बोले इधर आओ। बोले क्या? उन्होंने एक जोर का चांटा दिया ठटरी के बारे। क्यों मारा? बोले क्या हुआ? अरे बोले दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? गाल पर दर्द हो रहा है। बोले दर्द दिखाओ। बोले दर्द दिखा थोड़ी सकते हैं, वो तो हो रहा है। महात्मा बोले जैसे तुम्हें दर्द हो रहा है तुम दर्द दिखा नहीं सकते, वैसे ही राम राम कहने से प्रभु आ जाते हैं, हम भी उनको दिखा नहीं सकते हैं। जैसे तुम गाल पर दर्द महसूस करते हो, वैसे ही राम राम कहने से हम राम जी को महसूस करते हैं। बोलो सीताराम।